हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजय का रेसेसिस। आज जो है हमारे पास XUV 300 का W6 मॉडल आया है। जी हाँ, आज की जो हमारी वीडियो XUV 300 W6 मॉडल की मॉडिफिकेशन के ऊपर है। जो कस्टमर को इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट थी, एक तो इसमें ऑडियो अपग्रेडेशन कराना था, इंटीरियर अपग्रेडेशन कराना था, प्लस लाइटों में अपग्रेडेशन कराना था। तो ये दिखाता हूँ हमने जो W6 मॉडल XUV का जो आया है, इसमें हमने क्या क्या अपग्रेडेशन जो है, ये सामने हमने पहले तो अपना सेटअप लगा रखा है। जो अपना इसमें कस्टमर को एंड्रॉयड की रिक्वायरमेंट थी, स्टीरियो W6 मॉडल में आता है, बट उनको एंड्रॉयड की रिक्वायरमेंट थी। हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे थे, मैं फॉलो कर रहा था, तो उनको ओंक्यो का ही उन्होंने मूड बना रखा था। ओंक्यो का हमने 1200 नंबर, अपना इकोनॉमिकल रेंज में हमारा 1200 नंबर ही बेस्ट है, तो हमने 1200 नंबर रिकमेंड किया। प्लस साथ में हमारे मुरैल के अपना MK3 कॉम्बो, आगे कॉम्पोनेंट, पीछे कोएक्सियल। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमें मैसेज भी करते हैं कि आप मुरैल ही क्यों लगाते हैं। मैं मुरैल अपनी चॉइस से नहीं लगाता, जैसे ही कोई कस्टमर आता है हमारे पास, स्पीकर चेक करता है, डेमो में हमारे पास चेकिंग की फैसिलिटी है, तो मतलब मुरैल चेक कराने के बाद कस्टमर खुद ही कहता है बस मतलब सुनिए ओके डन लगा दो जी। तो मतलब मुरैल की साउंड चेक कराने के बाद जिसको बिना एम्प और बिना वूफर के स्पीकर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें हमारा मुरैल जैसे ही हम चेक कराते हैं, कस्टमर की कोई उसमें क्वेश्चन नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता, बस हमारा मुरैल चेक कराते हैं, मुरैल डन हो गया, लगा दो जी, ओके जी, डन हो गया। तो इसमें हमने मुरैल के अपना कॉम्बो, प्लस इसमें लाइटिंग हमने ओजूम की 150 वाट की हेडलाइट में भी LED लगाई है और फॉग लाइट में भी LED लगाई है। जैसे W6 मॉडल है, W6 मॉडल में पहले तो फॉग लाइट ही नहीं आती, ना DRL आती है, सिर्फ हेडलाइट ही आती है। अपना हेडलाइट में तो हमने LED लगाई है, कस्टमर को खैर हेडलाइट अपग्रेडेशन की भी जरूरत थी, पर उसमें जो है वायरिंग वूरिंग का थोड़ा सा झोल झाल रहता था, तो इसलिए हमने उसमें LED अपग्रेडेशन ही करना बेटर रहा और कस्टमर भी उसमें सेटिस्फाई रहे। प्लस इसमें जैसे हमने DRL लगाई है, ये हमारी DRL विद इंडिकेटर वाली होती है, जैसे हम इंडिकेटर ऑन करते हैं इसमें इंडिकेटर जो आता है। प्लस इसमें जो हमने OE पैटर्न में बिल्कुल फॉग लाइट लगाई है विद स्विच विद प्रॉपर वायरिंग विदाउट एनी वायरिंग कटिंग। तो इसमें जो हमने जैसे मैंने बताया हेडलाइट में भी अपना ओजूम की 150 वाट, फॉग लाइट में भी ओजूम की 150 वाट, प्लस DRL हेडलाइट में हमने सामने तो अपना यही मॉडिफिकेशन करा ये इसमें। प्लस जो है हमने साइड में, जैसे इसमें W6 मॉडल में ORVM नहीं आते, नॉर्मल मिरर्स आते हैं, इसमें हमने ORVM मिरर का काम किया है। ये देख सकते हैं हमारा इसमें ORVM मिरर, ये हमने ऑटो फोल्ड मिरर लगाए हैं, ये साथ में हमारा इसमें इंडिकेटर, ये हमारा ORVM मिरर। हमने इसमें जो ओरिजिनल महिंद्रा की ही ORVM मिरर लगाए हैं, जेन्युइन जो जितनी भी हमारी जो ओरिजिनल एसेसरीज लगी है महिंद्रा की हमने लगाई है। प्लस यहाँ पर जैसे इंडिकेटर होता है वो उठा के हमने यहाँ पर जी ड्राइव का अपना ये लोगो वाला अपना एक साइड बैंड लगा दिया, ये भी बहुत सुंदर लुक दे रहा है। साथ में इसमें जो कस्टमर के रिम्स जो थे वो वाइट सिल्वर थे, उसको भी हमने ब्लैक करे हैं, जो देख सकते हैं पूरी एकदम ब्लैक एडिशन टाइप में गाड़ी हो गई, ब्लैक बड़े मतलब सुंदर लग रहे हैं, व्हील को भी ब्लैक कलर में। प्लस जो है इसमें साइड्स में जो है हमने लोअर गार्निश और डोर गार्ड्स लगाए हैं यार, और ज़्यादा बाहर कोई ज़्यादा इतना कुछ खास काम नहीं था, क्योंकि W6 मॉडल है तो इसमें डोर वेजर कस्टमर को कंपनी से ही मिले थे। अब अंदर हम दिखाते हैं अंदर हमने क्या किया। अंदर देखिए कस्टमर की जैसे लाइट इंटीरियर की रिक्वायरमेंट थी, तो इसमें हमने डॉल्फिन कंपनी के अपना नापा लेदर में देख सकते हैं पूरे प्रॉपर OE फिटिंग OE फिनिशिंग वाले सीट कवर लगाए हैं। बीच में हमारा परफेक्शन वाला डिज़ाइन है, ये हमारा डॉल्फिन का OE पैटर्न वाला सीट कवर फिनिशिंग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सीट कवर है। प्लस जैसे W6 मॉडल में आर्मरेस्ट नहीं आता, हमने OE बिल्कुल OE महिंद्रा का ओरिजिनल आर्मरेस्ट लगाया, जो उसका कंसोल हटा के पूरा अपना महिंद्रा का जेन्युइन आर्मरेस्ट कंसोल लगाया। प्लस इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल तो खैर आता ही है, जो इसमें हमने ओरिजिनल OE पैटर्न वाला स्टीयरिंग कवर लगाया है, ये देख सकते हैं अभी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। प्लस इसमें जो हमने अपने ऑटोजेनिक्स के जो हमारे बेहतरीन क्वालिटी वाले मैट हैं 70 हमारे बेस्ट मैट, ये देख सकते हैं हमने ऑटोजेनिक्स के हमारे 70 मैट, ये हमारे पूरी प्रॉपर फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। साथ में जो है हमने मैट जो अपने लगाए हैं बहुत हमारे जो बेस्ट क्वालिटी मैट है जो हमारा ऑटोजेनिक्स का है। प्लस जो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, हमने जो इसमें कस्टमर को जैसे थोड़ा सा इसमें कुशनिंग की रिक्वायरमेंट थी, जो इनके हैंड रेस्ट हैं इस पर हमने जो ब्लैक प्यू के साथ कुशनिंग वाला काम करा है, जैसे इसमें थोड़ा सा एक रेस्ट जो है रखने में हाथ में मतलब एकदम हार्ड सा फील ना हो, तो इसमें हमने कुशन भी करा है, चारों डोर्स में हमने कुशनिंग करी है, ये भी हमने करा है। प्लस अब इसमें स्टीरियो की देखिए फिनिशिंग, आप देखिए पूरा प्रॉपर हमने ग्लॉसी फ्रेम के साथ OE फिटिंग OE फिनिशिंग में स्टीरियो लगाया है, कोई कहीं कोई गैप नहीं, बिल्कुल जैसे टॉप मॉडल में कंपनी से आता ना बिल्कुल उसी फिनिश में। प्लस जो इसकी ओरिजिनल USB भी हमने एक्टिवेट करी है, जैसे नॉर्मल लोग एंड्रॉइड्स वगैरह लगाते हैं उसकी USB की लीड्स वगैरह लटकती रहती है, तो उसमें हमने प्रॉपर जेन्युइन लीड लगाई है। प्लस एक पीछे आपको लेकर चलता हूँ, पीछे थोड़ा बहुत काम और किया हमने, एक कस्टमर को जैसे रियर गार्ड की रिक्वायरमेंट थी, उसमें भी हमने जब गाड़ी के थीम के साथ मैच करते हो अपना जो हम सबसे ज़्यादा लगाते हैं यही एक रियर गार्ड लगाते हैं सबसे ज़्यादा एलुमिनियम में, हमने ये रियर गार्ड लगाया। प्लस जैसे इसमें W6 में ट्रे नहीं आती, तो हमने महिंद्रा की जेन्युइन ट्रे लगाई है, ये देख सकते हैं महिंद्रा की जेन्युइन ट्रे हमारी है। और इसमें जो है बैक कैमरे की जैसे कस्टमर के पास में बैक कैमरे भी हमने OE पैटर्न वाला OE फिनिश में देख सकते हैं, ब्लॉपन कंपनी का बिल्कुल जेन्युइन जैसे टॉप मॉडल में ऊपर लगा था वही हमने बैक कैमरा लगाया।
तो ये जो हमने सारी मॉडिफिकेशन करी, अब जो हमने इसमें मुरैल और हमारे ओंक्यो कॉम्बिनेशन है उसकी भी एक बार आपको साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ, आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो देखिए आपको इसमें अपना जो ऑडियो सेटअप कर रखा है इसकी साउंड, इसमें एक बार मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, इसमें हमने ओंक्यो प्लस MK3 प्लस मुरैल की डुअल एयर डैम्पिंग विदाउट एनी एम विदाउट एनी वूफर। तो अब आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ। जस्ट एन ऑसम साउंड क्वालिटी, बस इतना ही बोलूँगा। अभी हमारे साथ कस्टमर बैठे हैं जो दो दिन से इस गाड़ी को जेन्युइन बताऊँगा रेडी करने में हमें 2 दिन लग गए, काफ़ी काम था, बारीकी वाला काम था, तो कस्टमर ने काफ़ी पेशेंस रखे, हमारे साथ बैठे हैं भैया, एक बार इनसे रिव्यूज़ जानेंगे, आपने काम कराया कैसा लगा भैया, आपने 2 दिन का हमें अपना कीमती वक्त दिया, टाइम दिया, काम कराया, कैसा आपको काम लगा? मैं लखनऊ से आया था, मैं डॉक्टर पंकज, गाड़ी काफ़ी दिनों से अजय जी का वीडियो देख रहा था मैं, यहाँ के पूरा सेटिस्फेक्शन मुझे हुआ, बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छा साउंड, सारी फिटिंग्स बहुत अच्छे से की हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करूँगा कि यहाँ आएँ और अपनी एक्सेसरी जो भी चीज़ें हैं वह आके करवाएं। थैंक यू। बस यही होता है कि एक काम अच्छा करो, दिल से करो, और एक अच्छे रिव्यूज़ मिल जाएँ, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बस दोस्तों यही है हमारी आज की वीडियो के, मतलब XUV300 W6। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, गुड बाय दोस्तों।